एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बाहर इफ्तार करने के लिए, सो व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आज कहीं रेस्टोरेंट में बाहर इफ्तार करने के लिए, सो हमने सोचा चलते हैं वाइट चैपल एरिया में और करते हैं इफ्तार। सो हम आ गए थे तैयब्स, और तैयब्स इज़ अ पंजाबी रेस्टोरेंट। आजकल सारे रेस्टोरेंट्स बिजी चल रहे हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम पे। सो हमने दो तीन जगह कॉल किया बट फुल्ली बुक थे, सो हम फाइनली यहाँ आ गए थे। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, इनफैक्ट हम सबके लिए फ़र्स्ट टाइम है। हस्बैंड बहुत बार आए हुए हैं पर सना, जैद और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। सो पहुँचते ही उन्होंने दिया ये पापड़ विद डेट्स, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। रोज़ा खोलने के लिए उन्होंने फटाफट अरेंज कर दिया। एंड यहाँ पर दिया था सैलड। ड्रिंक्स में हमने मंगवाया था मैंगो लस्सी, जो कि है जान का मोस्ट फेवरेट ड्रिंक। प्लेटर्स में हमने मंगवाया था ये प्लेटर, जिसपे थी लैम्ब चॉप्स, चिकन की एक आइटम थी एंड सीख कबाब, जो कि बहुत ही जूसी एंड टेंडर है। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी इक्वली अच्छा था। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था दाल, चिकन कढ़ाई, नान एंड राइस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खाने के बाद हम निकल गए थे दूसरी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे चाय अच्छी मिलती है। सो हम यहाँ आ गए थे चाय पीने के लिए। ये मैं पी रही हूँ दूध वाली चाय, हस्बैंड पी रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टी एंड सना पी रही है ब्लैक टी। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है। एंड देन उसके बाद हम आ गए थे नवल स्वीट शॉप, जो बहुत ही फेमस है वाइट चैपल में, और इसकी स्वीट्स काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे केक्स भी मिलते हैं और यहाँ पे फेनी एंड बूंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बकलावा एंड दही एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स मिलते हैं। जलेबी देखिए दो कलर के। सो मैंने यहाँ से ले लिया था दही, बिकॉज हस्बैंड को खाना था मिष्टी दोई, सो वो लेकर मैं निकल चुकी थी वहाँ से। हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ व्यू फ्रॉम माय रूम। और ये पिंक ट्री बहुत अच्छी लगती है मुझे, पर है नेबर की बेसिकली, पर मुझे बहुत पसंद है। और ये रहा पूरा व्यू। एंड चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं नीचे। नीचे आते ही मैंने देखा कि अंडे बॉक्सेस के अंदर पड़े थे, तो मैंने सोचा इसे सही जगह पर डाल दूं। सो बस मैं ये डालने लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रिफिल करने में। बहुत ही प्यारा सा होल्डर सना ने मंगवाया था टेमो से, जो मुर्गी के शेप में है। रिसेंटली मैंने शीन से थोड़ी शॉपिंग करी थी, इट्स नॉट अ क्लोथिंग शॉपिंग, बेसिकली छोटी छोटी यूज़फुल सामान मैंने मंगवाए थे, जिसमें से एक थी ये बैंगल होल्डर। सो मुझे ये रिफ़िल करनी थी, और मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारी बैंगल्स पड़ी हुई थी जो मैं पहन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बॉक्सेस के अंदर होते थे और बहुत ही लेज़ी फील होता था बॉक्सेस के अंदर से निकालो, पहनो, मैं भूल जाती थी अक्सर। तो मैंने सोचा ये होल्डर पर मैं अरेंज कर दूँगी, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि कभी भी कोई भी आउटफिट के साथ मैच करके मैं पहन लूँ ये बैंगल्स। सो देखिए बहुत ही प्यारा बैंगल्स है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, एंड रोजेस वाले बैंगल्स आर माय फेवरेट। वैसे मैंने दो होल्डर मंगवाए थे, पर मुझे लगता है मुझे और एक की ज़रूरत है, जो मैं वापस से ऑर्डर करूँगी। और अभी के लिए मैं दो होल्डर पे सारे डालकर ऐसे अरेंज कर देती हूँ। शीन और टेमू पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं गाइस, आप जाकर चेक कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें मिल रही हैं। सो मैंने और भी चीज़ें जो ली है मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब जब यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हो गया मेरा कलरफुल ब्यूटीफुल सब बैंगल सेट। हम कर रहे हैं यहाँ इफ्तार की तैयारी, और आज आने वाले हैं हमारे घर गेस्ट, जो कि है निदा भाभी एंड याकूब भाई। उनको हमने इफ्तार पे दावत दिया है, सो बस उसी की प्रेपरेशन पे हम लगे हुए हैं माशाल्लाह से। एंड ये सब फ्राइड आइटम्स वगैरह मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी फ्रूट सैलेड। माशाल्लाह से इफ्तार इज रेडी।
स्वीट्स निधा भाभी लेकर आई थी, मुझे गुलाब जामुन सबसे अच्छा लगता है इसमें। और ये रही निधा भाभी की दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेटियाँ। युसरा काफ़ी छोटी थी जब मैं यूके आई थी 6 साल पहले, और माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह, वक्त का पता ही नहीं चलता। और ये इजहान के साथ खेल रहे हैं, इजहान को बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह। और ये रहे याकूत भाई, निधा भाभी के हस्बैंड। एंड बस हम इफ्तार पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हस्बैंड और जैद का, वो दोनों काम से बाहर गए हुए थे। उसके बाद हम इफ्तार करने के बाद ऊपर आ गए थे रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चल रही थी फ़ोटो सेशंस, एंड यहाँ पे यूसरा ने लगाया था मेहंदी जो सना ने लगा दिया था। ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे चांद रात हो रही है, माशाल्लाह बहुत रौनक लग रही थी और बहुत अच्छा लगा। दिन काफ़ी अच्छा गुजरा माशाल्लाह। अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।